प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि जब से शराब दुकानों के आहते बंद करने का निर्णय लिया गया है, तब से कमलनाथ जी को बहुत आहत है, इसलिए वो उन्मुख बजट को सत्यानाशी बजट बता रहे हैं। और इसी के साथ बताया कि कांग्रेस की सोच हमेशा सही जनजाति भाइयों के विरुद्ध रही है, वो कभी गुलाब के रूप में और कभी गुलाल के रूप में सामने आ रही है। मैं इसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानता कि जो गुलाब पैरों से कुचले गए हो उनको माथे पर लगाए, ये जनजाति भाइयों का अपमान है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से माननीय शिवराज सिंह जी ने आहते बंद की है ना, तब से कमलनाथ जी बहुत आहत हैं, विचलित हैं। पर इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और सबसे ज्यादा अपनी माता बहन जो है उनको सामने, उनके हितों को सामने रख करके ये बजट लाया गया है। और कमलनाथ जी अगर सत्यावासी या धोखे का बजट कहते हैं तो वास्तव में विचार करना पड़ेगा उनके इन वक्तव्य पे, क्योंकि इसमें ना तो आईफा अवार्ड कहीं दिख रहा है, ना ही सलमान जी अकलीन का इस बजट में कुछ है, तो वो तो फिर कहेंगे ही कहेंगे। मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। जो गुलाब पैरों से कुचले गए हों वो जनजाति भाइयों के में गुलाल बना के माथे पर लगाया जाए, मैं तो इनका अपमान मानता हूँ। हमेशा से कांग्रेस की सोच ही आदिवासी भाइयों के प्रति, जनजाति के प्रति इसी तरह की रही है। अब वो गुलाल के रूप में सामने आ रही है, कभी गुलाब के रूप में। अरे भाई, कोई भगवान के चरणों से थोड़ी गुलाब आया है, कोई इंसान के चरणों का है। उसे आप भगवान बना के माथे पे लगाने के लिए आदिवासी भाइयों को नीचा दिखाने की एक कोशिश है, ये आपकी मानसिकता है कांग्रेस की।